दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है जन टीवी के खास कार्यक्रम गुलिस्तान में। आज हमारे साथ मौजूद है यंग एंड टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर स्नेहा खानवलकर। स्नेहा, हम ब्रेक में जाने से पहले आपसे जान रहे थे कि आप एक अच्छे सिंगर भी हैं और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। अभी तक आपने जितने भी गाने कंपोज किए, आपको सबसे अच्छा अपना सॉन्ग कौन सा लगा? बिकॉज ये अब तक का मेरा सबसे अच्छा सॉन्ग है और ये यूँ कहें कि बेटर है औरों से, और वो उसकी दो लाइन आप गा के हमें सुना। मुझे टुंग टुंग भी करने में बहुत मज़ा आया। मैं लेटेस्ट सॉन्ग्स की बात करूँगी क्योंकि हमेशा लेटेस्ट सॉन्ग ज़्यादा ये हो जाते हैं। या टुंग टुंग मैंने MTV साउंड ट्रिप के लिए किया था, और उसमें दो लड़कियों ने जो गाना जिन्होंने गाया है उनको मैं बहुत साल पहले मिली थी, और उनके चाचा को मैंने ओए लकी के लिए रिकॉर्ड किया था। लेकिन इन दो लड़कियों को उस समय कोई गाना था ही नहीं ओए लकी में जो मैं रिकॉर्ड कर सकती, पर वो मेरे दिमाग में बैठ गई थी क्योंकि उनमें से एक तो बहुत ही छोटी थी, फ्रॉक में थी, पिस्ते से बाल थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी अगर ये बड़ी हो गई ज़्यादा तो आवाज़ भी चेंज हो जाएगी, तो आई विल मिस दैट टोनैलिटी ऑल्सो। तो थोड़ा ऐसा प्रेशर फील हो रहा था उस समय कि अरे यार ऐसे कैसे रह गया, बट फिर एक अपॉर्चुनिटी आई जब MTV ये शो साउंड ट्रिपिंग लेकर आया, और वहाँ पर हम लोग पंजाब फिर निकले और हम लोगों ने नूरा सिस्टर्स इनको रिकॉर्ड किया। सिन्हा, अभी हाल ही के सिंगर्स की अगर हम बात करें तो अभी आप म्यूजिक कंपोज करती हैं, आने वाले कई प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रही हैं, ऐसी फीमेल या मेल कोई सिंगर जिनके साथ काम करना आप चाहती हो कि हाँ ये वो सिंगर्स हैं जिनके साथ में जस्ट विश टू वर्क विद देम? फीमेल सिंगर्स में मैं सुमन श्रीधर इनके साथ काम करना चाहूँगी। उनकी आवाज़ के साथ मैं कैसे उनकी आवाज़ में टटोल सकती हूँ देखूँगी। उन्होंने कई सारे गाने गाए, आपने वो गाना सुना होगा खोया खोया चांद, एक ऐसी बहुत ही प्यारी आवाज़ है, थोड़ी सी आँखों में ऐसी वाली आवाज़ है, सो दैट वॉइस आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड। अच्छा, हम ये आपसे जानना चाहते हैं सुनने के, अभी जो इस्टेब्लिश सिंगर्स हैं उनके साथ अगर आप काम करने का मौका मिलता है तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स में आप काम करना चाहते हैं, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और आप किस तरह का संगीत बॉलीवुड को या यूँ कहें कि फिल्म इंडस्ट्री को देना चाहती हैं कि फिरोज आई जस्ट वॉन्ट दैट टाइप ऑफ म्यूजिक? और क्योंकि ज़िंदगी में एक शख्स कहें या एक मकाम कहें होता है जिसको आगे देख के पलता है, बढ़ता है, उसे अपने आँखों में सजोता है कि उससे आगे ना सही उसके बराबर कहीं समकक्ष हम पहुँच जाएँ, उस शख्स के बारे में आप पहले आप हम बताएं कि जिंदगी में इज माई आइडल इन म्यूजिक इंडस्ट्री, उसको देख कर मुझे उसके पास पहुँचना है, लगभग उसके आगे ना सही इसके आस पास पहुँचाऊँ तो काफ़ी होगा मेरे लिए। एक्चुअली जर्नी तो खुद की बनानी पड़ेगी। बचपन में ऐसा होता था कि आइडल्स को फॉलो किया जाता था और फिर पता चलता था कि ये तो मेरी जर्नी है ही नहीं, और फिर कहीं और, तो यू नो यू ऑलवेज इधर वांटेड टू बी लाइक समबडी, हेलेन केलर और एनीबडी एल्स, और दैट कैन बी चेंज्ड बाय फेजेस ऑफ योर लाइफ। या तो अभी को इसलिए मैंने वो थोड़ा की अगर फील्ड में बात करें म्यूजिक डायरेक्टर जैसे शंकर महादेवन हैं या स्माइल साहब हैं या जतिन ललित साहब हैं, बड़े जो भी जितने भी नाम हैं, बड़े शख्स हैं छोटे हैं, किसका म्यूजिक आप पसंद करती हैं? मैं ज़्यादा देर तक मैं सिर्फ रहमान सर का म्यूज़िक सुन सकती हूँ क्योंकि साउंड वाइज, और हम लोग अगर सिर्फ बॉलीवुड की बात करें, तो मैं ज़्यादा देर तक रहमान सर, RD बर्मन और पुराने कई सारे लेकिन अभी मैं अभी भी मतलब रहमान सर ना? रहमान सर का अब तक का सबसे अच्छा आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है रहमान सर, कहना ही क्या है। हाँ, हम्मा है, कई सारे एक्चुअली, रोजा और बॉम्बे के सारे गाने हैं, फिर दिल से के भी सारे गाने हैं ऑलमोस्ट। हाँ, और अभी रंगीला एंड ऑल दैट ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। सत्या के विशाल भारद्वाज के भी सॉन्ग्स आर ब्यूटीफुल, और
कौन सा एक गाना अगर आप मुझे पूछें, will it be what? I'm so bad at this. जो आप अक्सर गुनगुनाती हैं खाली वक्त में? सर गुनगुनाती तो मैं खुद के गाने हूँ अक्सर। अच्छा, ये रहमान साहब को गुनगुनाना पसंद करें आप सॉन्ग, और आप अच्छी सिंगर भी हैं। मैं गुजारिश करूँगा जन टीवी की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से, आपकी दो लाइनें, आपको एक ऐसा गीत रहमान साहब का जो आप सुनाना चाहें। मैं हम लोग बचपन में वो गाते थे, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। फिर डैडी बोलते थे जानम, ठीक से नहीं आया, फिर हम बोलते थे रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। और ऐसे करते थे फिर, ओ तू भी क्या चीज है, हर दिल अजीज है, दिल चाहे देखे तुझे हम, हर दम रूप सुहाना लगता है। और मेरे डैड कभी खुश नहीं होते थे, कुछ नहीं आता था उनको। हम करना चाहेंगे कि आजकल ये ट्रेंड है कि कंपोजर और म्यूजिशियन इज आल्सो सिंगिंग द सॉन्ग्स, सो अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है जिसमें आपको कहा जाता है कि आपको गाना भी गाना, तो वुड यू लाइक टू प्रेफर इट, और यू जस्ट वांटेड टू बी हैप्पी विद योर म्यूजिक कंपोजिंग? नहीं, माय ओन सॉन्ग्स आई हैव संग। I also sang one song in Aiyya. हाँ, अमित त्रिवेदी ने म्यूजिक किया था, तो एक गाना उसमें भी गाया मैंने, What to do, not to do। बाकी अपनी फिल्मों में मैंने LSD में एक गाना गाया था, I can't hold it any longer। इनफैक्ट वो राजस्थानी में था, वो दिबाकर ने, दिबाकर बैनर्जी द डायरेक्टर, उन्होंने, दिबाकर जी ने वो ट्राई, मतलब वो लिखा था। सुनहा, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में दर्शकों को बताएं कि आप कौन सी मूवीज में काम कर रही हैं, मैं अभी मैं शशांक घोष जी की एक मूवी कर रही हूँ, दिबाकर बैनर्जी के साथ भी एक प्रोजेक्ट है, और कुछ फिल्में अनटाइटल्ड हैं जो मैं भी साइन करने वाली हूँ। इस समय सिंगर्स में कुछ लोग हैं हार्ड कोर के साथ भी कुछ शायद काम करने का मौका मिल सकता है। I want to record even the established playback singers। In fact, मुझे मन कर रहा है कि मैं सोनू निगम जी के साथ भी कुछ interesting कर सकूँ, तो because अभी शायद उनकी आवाज़ के साथ कुछ नया करने में भी मज़ा आएगा। सोनू जी का इतना लंबा कैरियर रहा है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मतलब क्योंकि आजकल जितने भी सिंगर्स आ रहे हैं, दे डोंट हैव सो मच यू नो टेन्योर इन द इंडस्ट्री। एक लंबा कैरियर जिया है सोनू जी ने, कोई उनका पसंदीदा गीत आप बताना चाहें हमें कि रोजी गीत अच्छा है सोनू जी जो आपको बहुत पसंद आता है? सोनू जी के तो बहुत सारे गाने हैं जो हमने सबने सुने हुए हैं, इसलिए मैं वो रेगुलर हिट सॉन्ग्स के नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक गाना कमबख्त इश्क, जब उर्मिला वाली फिल्म थी, रामू की फिल्म थी, और उसमें तीन सिंगर्स एक ही गाने में थे और तीनों बहुत खूबसूरत साउंड कर रहे हैं, और तीनों अपना अपना कैरेक्टर वॉइस पकड़ के बैठे हुए हैं। एक है सुखविंदर सिंह जी, एक सोनू निगम जी और आशा भोसले जी, और तीनों, मतलब वो गाना आप सुनिएगा, तीनों की आवाज़ एक लहर जैसी आती है जाती है, लहर जैसी आती है जाती है, और तीनों ने बहुत पैशन के साथ गाया। तो सोनू निगम, आई थिंक ही इज़ अ वेरी पैशनेट सिंगर, बैंग ऑन द सुर, मतलब वो ऐसे सिंगर जिनका शायद स्टेज पे ज़रा भी सुर हिलता ही नहीं है, किधर लगता है उनका। हाँ, तो वो उनमें से हैं जो सोनू निगम, मीका इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी सुरीला सिंगर, उनके लिए भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, मीका जी के लिए। और क्या करना पसंद करती हैं? कुछ म्यूजिक सुनना, कुछ ऐसे गज़लिस्ट, कुछ सिंगर्स, लेकिन साहब जो भी आपकी पसंद। ना म्यूजिक आजकल इंटरनेट ने एक बहुत अच्छा ये दे दिया है, एक रैंडम प्लेलिस्ट ऑन करने का करने की सुविधा होती है, तो मैं यूट्यूब पर एक रैंडम कुछ भी प्लेलिस्ट ऑन कर देती हूँ। अच्छा। और बस इतना टाइप कर देती हूँ, कुछ भी टाइप कर देती हूँ, और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट निकल आते हैं, एंड यू शुड ट्राई दैट। आप अगर टाइप कर दो स्पैनिश क्लासिकल आर्टिस्ट, या समझ लीजिए फ्रेंच पियानो क्लासिकल, फ्रेंच क्लासिकल पियानो,
तो और वो YouTube पे आप ऑन कर दीजिए एंड द यू विल हियर सम ब्यूटीफुल म्यूजिक या फिर सिर्फ नॉर्थ अफ्रीका ट्राइबल म्यूजिक. दैट्स इट. सो तो अभी अभी मेरा वो फेज चल रहा है जिसमें मैं एक दो आर्टिस्ट को पकड़ के नहीं बैठी हूँ, पर एक आर्टिस्ट है जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, जिनको मैं बीच बीच में वापस से आती रहती हूँ, ऑलमोस्ट लाइक अ प्रेजेंट लगाने आता है ना उस तरह से. दैट इज कुमार गंधर्व जी, क्लासिकल सिंगर, आपने सुना ही होगा. तो वो जब गाते हैं तो बाकी सब में समतल हो जाता है मेरे लिए. आई एंजॉय हिज सिंगिंग अ लॉट. आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जन टी वी के लिए, गुलिस्ता के लिए वक्त निकाला, और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी कि आप जिस गति से और जिस दिशा में चल रही हैं, आपका नाम रोशन करें, आपने जितना भी अच्छा म्यूजिक दिया है आगे भी दर्शकों के लिए इतना ही अच्छा म्यूजिक लेके आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू दोस्तों. अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का. उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा. अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए कलाकार के साथ, एक नए फनकार के साथ. तब तक अपने दोस्त और हॉस्ट फिरोज खान को दीजिए इजाज़त. अलविदा.